हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम सुलम प्रो प्लस के यूट्यूब में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं जो आज मैच होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जो सेकंड T20 मैच होगा उसकी अपडेट वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये जो वीडियो है ये पूरी से वॉच कीजिए, बिकॉज ये जो मैच में जो मैं आपको प्लेइंग 11 दिया हूँ, और देखिए मैंने आपको प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट प्लेयर के जो लिस्ट भी मैं आपको शो कर दिया हूँ, और उसके बाद में कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी मैं शो कर दिया हूँ, और उसके बाद में मैंने आपको दो टीम बना के दी है जो कि ग्रैंड लीग और जो फर्स्ट टीम है वो ग्रैंड लीग, आई मीन दोनों के दोनों टीम आप ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लीग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, मैं इस मैच में आप ये जो वीडियो है ये प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप कर देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू कर दो। तो बात करें फर्स्ट पिच की, तो पिच ये राजकोट की पिच है, और हो सकता है कि ये जो पिच है ये स्मॉल थोड़ी सा स्मॉल ग्राउंड है, और ये भी और ये पिच बैट्समैन के लिए हेल्पफुल होगा और बॉलर के लिए भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, आशीष नेहरा ये मैच नहीं खेलेंगे, तो उनके जगह पे मोहम्मद सिराज ये मैच खेल सकते हैं, और उनके खेलने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो 5 बॉलर के साथ जाएगी तो मोहम्मद सिराज खेलेंगे, बट मुझे लगता है कि इंडिया 5 बॉलर के साथ जाएगी और मोहम्मद सिराज ये मैच खेलेंगे, तो एक रिस्क हो सकता है, बट आप चाहे तो ग्रैंड लीग में ये रिस्क ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें दिनेश कार्तिक का चांस खेलने का है, बट बहुत ही कम चांस खेलने का है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ग्रैंड लीग में मोहम्मद सिराज और दिनेश कार्तिक दोनों को लें, बट आइए एज इन एक रिस्क होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, जो ग्लेन फिलिप्स हैं वो आज के मतलब कि वो नेट में काफ़ी टाइम बिताए हैं, और वो ई एम एच खेलने का उनका बहुत ही ज़्यादा चांस है, और हो सकता है वो अपने टी ब्रुक के जगह पे ई एम एच खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको दोनों टीम की प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन दे दिया। मैंने इस वीडियो में भी देखिए मैंने आपको दो टीम बना के दिया हूँ, और कुछ जो फर्स्ट मैंने डाला था उसमें मैंने प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन दिया। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो भी वीडियो जाके देख लें। और बात करें उसके आगे की, जो विकेट कीपर में तो जो टॉम लेथन है वो आपके लिए सेफ ऑप्शन है, और अदरवाइज़ और भी जैसे धोनी और फिलिप्स को अगर आप लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, बिकॉज धोनी बहुत ही नीचे बैटिंग करने आते हैं। और फ्रेंड्स, जो कि अगर आप चाहें तो ग्रैंड फिलिप्स को ले सकते हैं, क्योंकि उनके खेलने का चांस ज़्यादा है और उन्हें काफ़ी कम लोगों ने लिया होगा, तो आपके पास ग्रैंड लीग विन करने का अच्छा चांस हो जाएगा। बात करें तो आप इंडियन बैट्समैन को मोस्टली इंडियन बैट्समैन को लीजिए, जो टॉप 3 को मैंने फिर से बोल रहा हूँ आप टॉप 3 के लिए, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक बड़ी इनिंग खेल सकता है, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के रखिए। और फ्रेंड्स, उसकी बात करें न्यूजीलैंड में, तो टॉम लेथन और कॉलिन मुनरो बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आई मीन लास्ट मैच में जो कॉलिंग मुनरो ने नहीं चाहिए, बट T20 के स्पेशलिस्ट है, तो आप चाहे उन्हें ले सकते हैं, आप चाहे तो सेंटरनर को ड्रॉप करके गप्टिल या ग्रैंड होम को ले सकते हैं इन ग्रैंड लीग में। और फ्रेंड्स, उसकी बात करें फ्रेंड्स, आप हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर सकते, क्योंकि अगर 5 बॉलर खेल रहा है तो उन्हें बॉलिंग हो सकता है नहीं कराई जाएगी और बैटिंग भी नीचे आएगी, तो आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल, आप चाहे अक्षर पटेल को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और इशांत शौरी को मैंने जैसे पिछले मैच में बताया था कि इशांत शौरी, ट्रेंट बोल्ट और सऊदी ये 3 बॉलर होंगे वेस्ट इंडीज़ आई मीन न्यूजीलैंड के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं और एक लास्ट न्यूज़ आपको दे रहा हूँ जो कि ग्रैंड लीग की टिप्स है। तो फ्रेंड्स, ग्रैंड लीग की टिप्स ये कि जो ग्लेन फिलिप्स हैं वो उनके वो रिस्क हो सकता है, बट उनके खेलने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, तो आप उन्हें लीजिए, और वो आज के मैच में मैं तो कहता हूँ कि वो मैच के खेलेंगे और अच्छे बैट्समैन हैं, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 3 अगर खेलते तो 3 नंबर पे आएंगे, 3 या 4 नंबर पे आएंगे ग्लेन फिलिप्स, और उसके बाद आएंगे टॉम लेथन, और उन्हें सिर्फ ग्लेन फिलिप्स को सिर्फ 3% लोगों ने लिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन्हें लीजिए, और आप ग्रैंड लीग ईजिली जीत पाएंगे आप अगर आप उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं तो। सो आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, मैंने आपको जो पेपर मेरे पास ना टाइम नहीं है कि मैं आपको प्लेइंग 11 और इंपॉर्टेंट प्लेयर जो और ये जो मैं टीम आपको दिया हूँ, मैं ये टीम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता सकूँ, बट मेरे पास ना टाइम नहीं है, इसके लिए मैं आपको फटाफट ये वीडियो बना के दिया हूँ, तो आप जाइए और अपनी टीम बनाइए, और प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।